हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 73 एंड द वर्कशीट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज़ ऑफ 28 September 2020। विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, अध्यापक का नाम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। समय बहुत कीमती है, हम सब जानते हैं। हमारे अध्यापक हमें हर काम समय के अनुसार करने का सबक देते हैं। काम समय के अनुरूप करने में घड़ी हमारी मदद करती है। आओ हम संबंधित और जानकारी प्राप्त करें। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इस हिसाब से अगर इसको देखा जाए, मैंने कहा 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में कहा मैंने बच्चे होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अगर ये होता है तो 1 घंटे में कितने मिनट हुई, ये आप 1 घंटे में कितनी सेकंड हुई, देखिए 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो 6 6 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 और 2 0 ये रही, तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड। ये आप लिख लीजिए, फिर हम आगे शुरू करते हैं वर्कशीट। 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे के अंतर के लिए एएम या पीएम का प्रयोग करते हैं। जैसे रात 12:01 से लेकर दिन के 11:59 तक हम लोग एएम और दिन के 12:01 से यानी दोपहर से और रात के 12:00 तक हम यूज़ करते हैं पीएम। इस बात को समझिएगा, सुबह हुई, रात को जो 12:00 हैं, रात 12:00 से दोपहर 12 बजे तक हम लिखते हैं एएम, ठीक है बच्चे। और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, पीएम। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, आगे चलते हैं। ये आप किस कॉपी में करने वाले हैं, आप मैथ्स की कॉपी में करने वाले हैं। यानी कि अगर समय का हिसाब लगाया जाए तो सुबह 4:00 होता है 4 AM, सुबह 9:00 होता है 9 AM, शाम 7:00 होता है 7 PM, ठीक है। क्योंकि शाम दोपहर को 12:00 से रात के 12:00 तक क्या होता है PM, दोपहर 12:00 तक क्या होता है AM, ठीक है बच्चे। चलिए नीचे कुछ घड़ियाँ दिखी हैं, घड़ियों में टाइम देखना है आपको। देखिए सुबह जागने का समय बनाइए, आप कितने बजे उठते हैं। अगर आप 6:00 उठते हैं, नॉर्मली 6:00 उठना चाहिए, तो बड़ी सुई 12 पर और छोटी सुई 6 पर, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सुई 12 पर और छोटी सुई 6 पर होनी चाहिए 6:00। खेलने का समय शाम को 5:00, तो छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 12 पर, ठीक है बच्चे। ये आपका खेलने का समय। घर में पढ़ाई करने का समय, कितने बजे पढ़ाई करना शुरू करते हैं, सुबह 10:00, तो ये लीजिए 10 और 12 पर बड़ी सुई, ठीक है बच्चे। परिवार के साथ वक्त बिताने का समय, नॉर्मली चाय के टाइम 4:00 या 6:00, तो 6:00 शाम को हम लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं। यहाँ पर कुछ घड़ियाँ दी गई हैं, इन घड़ियों को देख कर हमें टाइम बताना है, ABCD। किस घड़ी में बजे हैं, ढाई कितना होता है बच्चे, ढाई होता है बच्चे 2:30, 2:30। तो किस घड़ी में हुए हैं 2:30, ये हुए हैं डी घड़ी में। कौन सी घड़ी में, डी घड़ी में। पहले क्वेश्चन का आंसर है ढाई किस घड़ी में बजे हैं, डी घड़ी में, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी बी में कितने बजे हैं, घड़ी बी में कितने बजे हैं, ये वाली घड़ी में कितने बजे हैं, ध्यान से देखिए 12, कितने बजे हैं बेटा 12:00 हैं। अगला क्वेश्चन, किस घड़ी में 12:00 में 2 घंटे और 45 मिनट बाकी हैं, 2 घंटे और 45 मिनट, यानी कि 12 में से 2 गए 10, यानी 10:45 बाकी हैं, 10 में से 45 मिनट अगर घटाओगे तो कितना आएगा,
9:15, कितना आएगा 9:15, और किस घड़ी में है 9:15, 9:15 है सी घड़ी में, किस घड़ी में, सी घड़ी में। अगला सवाल, 7:45 का क्या अर्थ है, 7:45 का क्या अर्थ होता है, चलिए समझाते हैं 7:45 का क्या अर्थ है। 7:45 का अर्थ होता है बच्चे 7:45, 7:45 का मतलब होता है 7:45, यानी कि 8:15, 7:45 का मतलब होता है 8:00 कितने मिनट बाकी हैं, 15 मिनट, और 8:15 का मतलब होता है 7:45। ठीक है बच्चे, क्लियर। आप अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं अपने शब्दों में लिखिए, आप लिखेंगे आप अपने समय का सदुपयोग कैसे करेंगे, ये काम आपका है, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। आप लिखिएगा कि आप समय का सदुपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। आई होप ये वर्कशीट क्लियर है, मैथ्स की कॉपी में फटाफट ये वर्कशीट करना शुरू किए, मिलते हैं अगली वर्कशीट में, बाय बाय।